राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार जोर लगा रही है बाजी मारने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 48 घंटे जोधपुर में रहे थे, एबीपी न्यूज के साथ है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से विधायक सुलभमणि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आप यहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल सब फेल है, राजस्थान का मॉडल सबसे खास है। देखिए, पूरे देश में अगर राजस्थान की आज चर्चा हो रही है तो किन वजहों से हो रही है, जरा सोचिए कि राजस्थान की चर्चा अगर पूरे देश में होती है तो कन्हैया लाल जी जैसे व्यक्ति की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई उसको लेकर होती है, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी कमाते थे किस बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, और राजस्थान की गहलोत जी की सरकार ने अपराधियों के साथ जिस प्रकार की नरमी बरती, जिस प्रकार से उनको एक सेफ गार्ड दिया, इसको लेकर चर्चा होती है। राजस्थान की चर्चा अगर होती है तो माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ अपराध की घटनाएँ हो रही, हमें तो कहते भी शर्म आती है कि रेप की घटनाएं होती हैं, दिनदहाड़े उनको बलात्कार के बाद उनको भट्टियों में झोंक दिया जाता है, राजस्थान को इस बात को लेकर चर्चा होती है। राजस्थान की चर्चा आज पूरे देश में अगर हो रही है तो गहलोत जी ने किस प्रकार से तुष्टिकरण किया है, हमारे पर्वों पर जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाते हैं, हमने देखा जोधपुर में लोगों ने चर्चा की कि हमारा जब एक वर्ष पूर्व यहाँ पे धार्मिक उत्सव चल रहा था तब किस प्रकार यहाँ पर दंगे भड़काने का प्रयास हुआ, और बेकसूर लोगों के खिलाफ, बेकसूर जो बेगुनाह लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, हमारे महावीर जी का झंडा हटा दिया गया। तो राजस्थान को लेकर आज पूरे देश में जिस प्रकार की नकारात्मकता बनी है उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, उनके मुख्यमंत्री गहलोत जी जिम्मेदार हैं, और यही कारण है कि गहलोत जी को 48 घंटे आकर डेरा डालना पड़ता है उस क्षेत्र से जहाँ से वो बार बार चुनाव लड़ते रहे हैं। राजस्थान की महान जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तुष्टिकरण वाली, भ्रष्टाचार वाली, अपराध को बढ़ावा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है। सर, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग सब एक हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में, सचिन पायलट वगैरह, तो हमारी सरकार आ रही है, बीजेपी में झगड़े लगातार जारी है। आपको लगता है कि सचिन पायलट जी और गहलोत साहब एक हो गए हैं? अभी भी खबरें आती रहती हैं, जब कोई पूछता है भाई कि अपराध की घटनाएँ बढ़ी तो गहलोत साहब कहते हैं कई बार कि ये तो इन लोगों ने सरकार नहीं ठीक से चलानी थी इसलिए ऐसा हो गया। पायलट साहब कभी कुछ कहते हैं, और दोनों के बीच में जो बयानबाजियां हुई हैं वो हमें बताने की ज़रूरत थोड़ी है, हमने तो आपके चैनल पे देखा बहुत सारी बयानबाजियां चली हैं। तो जिस प्रकार का उनके बीच में मतभेद नहीं, मनभेद रहा है, और उस मनभेद का खामियाजा किसने भुगता? राजस्थान की जनता ने। राजस्थान की जनता का दोष क्या था? क्या राजस्थान की जनता का ये दोष था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, आपस में दोनों खेमे आपस में लड़ते रहे, दोनों खेमे एक दूसरे पर सत्ता किस प्रकार से काबिज होना है, सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते रहे, और उस सत्ता की लड़ाई में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर भुगता है तो राजस्थान की बहनों ने भुगता है, राजस्थान की माताओं बहनों ने भुगता है, राजस्थान के नौजवानों ने भुगता है। पेपर लीक कांड होते हैं, कौन सा ऐसा एग्जाम है जहाँ पेपर लीक नहीं होता? राजस्थान के नौजवानों का कसूर क्या है? तो मैं तो कहूँगा कि आप देखिए गुजरात मॉडल देखिए, आप उत्तर प्रदेश का मॉडल देखिए, आज उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं कि अपराध कर सके, और जो अपराध करते हैं उनके साथ किस प्रकार की कार्रवाई होती है उसको पूरा देश देखता है। राजस्थान की महान जनता को पूरा विश्वास है कि राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कन्हैया लाल जी का बेरहमी से कत्ल करने वालों के साथ भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बात करेंगे प्रवक्ता से, सर नवनीत जी आपका बहुत स्वागत है। अब मुझे बताइए कि जिस तरह से आप किस तरह से सोच रहे हैं कि सरकार वापस रिपीट आएगी, आपकी बीजेपी की आएगी, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार रिपीट हो रही है। देखिए, अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं कि इस बार वो इतिहास रचेंगे, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ कि इतिहास तो उन्होंने रच दिया है। अगर आप रेप के केसेस देखें तो राजस्थान आज देश में नाम बना रहा है। आप पेपर लीक के मुद्दे देखें, 19 पेपर लीक हुए हैं बड़े एग्जामों के पिछले 5 सालों में। अगर आप महंगाई की दर देखें तो पेट्रोल डीजल के दामों में राजस्थान नंबर 1 चल रहा है। बेरोजगार की दर देखें तो 32% बेरोजगारी के साथ नेशनल एवरेज से 400% ज़्यादा राजस्थान चल रहा है। तो इतिहास तो अशोक गहलोत जी ने ऑलरेडी रच दिया है नकारात्मक चीज़ों में, और भारतीय जनता पार्टी के जीत का एक ही सूत्र है, हमारा संगठन की मजबूती। पंचायत लेवल तक, ग्राम पंचायत लेवल तक राजस्थान की सरकार की विफलताओं को लेकर जाएंगे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने पिछले 9 से 10 सालों में कार्य किए हैं, जो जनहितैषी कार्य हैं, उनको लेके हम जनता के बीच जाएंगे, और उन्हीं के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। अब आप जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं सर, जिस तरह से अभी टिकट, 2 ही टिकट अभी दिए गए हैं जोधपुर 10 विधानसभा में, उसमें भी कुछ अपवाद भी सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे, क्या चुनौती? मैं समझता हूँ जोधपुर भारतीय जनता पार्टी एक मत और एकजुट के साथ में आगामी चुनावों के लिए लगी हुई है, और पूरे राजस्थान भर में अभी तक 76 टिकट आने बाकी है, और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ रहा है टिकटों की घोषणा भी होती जा रही है, और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में बाकी भी सब कार्य पूरा हो जाएगा। और जैसे सुरसागर में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जोशी एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है,
और पार्टी पूरी उनके साथ में पिछले 3 दिन से जब से ये घोषणा हुई है तब से पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ में उनके साथ में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बार जोधपुर शहर की सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ में और जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। आप सबको जानकारी है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के इन चुनावों के मद्देनज़र प्रवासी कार्यकर्ता की दृष्टि से हम सब एक कार्यकर्ताओं का परिवार है और मैं उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से विधायक हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते हम सब राजस्थान में अपनी पार्टी की सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ से आए हुए हैं और आज उसी दृष्टि से कार्यशाला रखी गई है जिसमें हम सब बैठ के किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों के दौरान श्रीमान गहलोत जी की सरकार ने पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से अपराध को बढ़ावा दिया, हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं और रोज़ ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि रोज़ राजस्थान के भीतर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमने वह तस्वीरें भी देखी थी जब एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाली बहन को जिस प्रकार से रेप करने के बाद भट्टी में झोंक दिया गया था। हमने कन्हैयालाल जी का कत्ल भी देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो उन्मादी तत्व हैं, जिस प्रकार से जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्होंने बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले कन्हैयालाल जी का कितनी बेरहमी से कत्ल किया था। हम लोगों ने वह भी देखा कि किस प्रकार से जयपुर के भीतर जो आरोपी बम धमाकों के भीतर जिम्मेदार थे, किस प्रकार से वो रिहा हुए, किस प्रकार से वो दोषमुक्त हुए और गहलोत जी की सरकार उनके खिलाफ वापस अपील करने से कतराती रही। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा विषय उठाया तब जाकर सरकार हरकत में आई। किस प्रकार से आपने सबने देखा कि लाल डायरी, पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा के भीतर कोई डायरी लोगों ने महसूस की कि लाल डायरी आई, उस लाल डायरी में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा गहलोत जी की सरकार का था, उनके भ्रष्टाचार का था। हम सब लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, राजस्थान की महान जनता के बीच में जा रहे हैं और पूरी तौर पे राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, अपराध हो रहे हैं, माताओं बहनों के साथ तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं और काम के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं। अभी मैं लोगों से पूछ रहा था तो लोग बता रहे थे कि पिछले 4-4.5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, आपस में लड़ते रहे, सरकार बचाते रहे और अब जब सरकार जाने की बारी है तो कहीं कहीं कुछ काम शुरू करा के दिखाने का प्रयास हो रहा है कि काम शुरू हुआ है, लेकिन राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आने जा रही है, लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति पूरी तौर पर आश्वस्त हैं कि राजस्थान का विकास होगा और हम सब आज इन्हीं विषयों को लेकर अपने साथियों के साथ बैठेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता साथी उनके साथ बैठेंगे और किस प्रकार से यहाँ की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसकी जो खराब नीतियाँ रही हैं, उनके दौरान जो अपराध हुए हैं, उनके दौरान जो तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाना है, इसको लेकर अपनी रणनीति तैयार करेंगे।